भाई साहब, वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स हमारे वीडियो के नीचे आते रहते हैं, बट यहाँ पे सूरज सोलंकी जी ने पूछा एकदम स्पेसिफिक, 1 to 1.2 लाख की तक कौन सी ईवी स्कूटर बेस्ट है, सजेस्ट करो, आए दिवाली पे परचेज करनी है। इतने सारे ईवी देख के कंफ्यूजन हो गया भाई। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, शायद ये वीडियो दिवाली के बाद में आप देख रहे हो, बट फिर भी भाई आपको क्लैरिटी सिर्फ आपको नहीं देने वाला, जितने भी लोग हैं जो 1.2 मतलब 1,20,000 के आसपास इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं, उनके लिए ये जबरदस्त वीडियो है, क्योंकि भाई वीडियो देखने के बाद उनकी पूरी जो है ना डाउट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई हमेशा आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। मैं आपको सीधा ऐसे 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बताने वाला हूं जो आपको बहुत ही चीप मतलब नॉट अ प्रोडक्ट वाइज, आप बोल सकते हो आपने ओला खोला इसलिए, ओला का वेबसाइट खोला इसलिए चीप बोल रहे हो, अरे वैसा नहीं बोलना था यार मुझे, बट यहाँ पे आपको ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाता है भाई 1,20,000 के नीचे। इनके ऑलमोस्ट एक एक मॉडल छोड़ के बाहर बाकी सारे स्कूटर 1,20,000 के नीचे मिल जाएंगे। बट आई रिक्वेस्ट आप टेस्ट राइड लो और आप खुद डिसाइड करो। ओला का फीडबैक आपको पता है, ओला का क्या चल रहा है सभी को पता है। अगर आपको परेशानी हुई तो मुझे मत डांटना, टेस्ट राइड लेके खुद डिसाइड करना। मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि 1,20,000 के नीचे कौन से आते हैं। ओके, तो यहां पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ऑर्डर नाउ पे ही जाता हूँ और ऑर्डर नाउ पे जाने के बाद दिखा देता हूँ। ओके, तो बुक करने वाला हूँ मैं। ओला क्यों पहले बता रहा हूँ, क्योंकि भाई टॉप सेलिंग में चल रहा है, मैं ओला से मुझे 1 रुपया नहीं मिला है, कौन से भी ईवी ब्रांड से मुझे 1 रुपया नहीं मिल रहा, मैं सिर्फ एजुकेशनल कॉन्टेंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा इनका जो पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो टॉप मॉडल बोल सकते हैं, यहाँ पे मिल जाता है 1,35,000 में, एक शोरूम प्राइस है 1,35,000, दिस इज ओला S1 Pro। ओके, अगर आप ओला S1 Pro की बात करें तो आपको बोलते हैं 180 किलोमीटर का रेंज मिलेगा, 11 किलोवाट पिक पावर वाली इसमें मोटर है, बैटरी जो है बहुत ही तगड़ी 4 किलोवाट आवर की है, 120 का टॉप स्पीड मिल जाता है, दिखने के लिए एकदम रोबोटिक लगती है, जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लुक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, ये मिल जाती है एक ओला S1 Pro लगभग आपको 1,35,000 के आसपास, किधर चला गया भाई, 1,35,000 के आसपास ओला S1 Pro आपको मिल जाएगी। ओके, इसके बाद में अगर आप देखना चाहते हो, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, तो यहाँ पे हाई है इनका दूसरा मॉडल। इनकी खासियत यही है कि आपको 8 साल या 80,000 किलोमीटर तक की बैटरी वारंटी मिल जाती है हर गाड़ी पे। अब बात करें ओला S1 Air की, तो ओला S1 Air आपको लगभग मिल जाएगी 1,08,000 के आसपास, दिस इज एक्स शोरूम प्राइस विच आई एम शेयरिंग। ओला S1 Air में आपको सारे फीचर्स मिलेंगे जो ओला S1 Pro में मिलते हैं, सिर्फ आपको हाइपर मोड नहीं मिलेगा, इसमें हब मोटर मिलेगा जो पहिए में बैठता है। ओला S1 Pro छोड़ के बाकी सारे मॉडल्स जो है ओला के, उसमें आपको हब मोटर मिलेगा, सिर्फ ओला S1 Pro में आपको IPMM टेक्नोलॉजी का मोटर मिलेगा। ओके, तो 1,08,000 के आसपास आपको मिल जाएगा ओला S1 Air। इसका लुक आप देख सकते हो, थोड़ा अलग लुक है एज कम्पेयर टू ओला S1 Pro, दिस लुक्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, यू कैन सी इट इन डिफरेंट कलर्स, वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो या आप इनके स्टोर पे भी जाके चेक कर सकते हो, यू कैन लुक एट दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देन कम्स ओला S1 X, अगेन ओला S1 X इज हैविंग 4 वर्जन्स, ओला S1 X 2 kWh, 3 kWh, 4 kWh एंड ओला S1 X Plus, इतनी गाड़ी बना दी बट एक का भी इनसे सर्विसिंग मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, सॉरी बट ये फैक्ट है, पता है आपको क्या चल रहा है ओला के बारे में। तो यहाँ पे आप देखो, ये सिर्फ आपको मिलेगा 95,000 में, ये भी आप अगर 2 kWh वाला सिलेक्ट कर लोगे ना तो आपको मिलेगा सिर्फ 75,000 में, और बीच में इन्होंने बोला था ये 50,000 में ही दे देंगे, फिर नितिन गडकरी जी आए, नीति आयोग आया, बहुत सारे लोग और क्या वो फेम सब्सिडी वाला फेम पोर्टल कि भाई कैसे बेचोगे 50,000 में, आपको हमें आपने हमें इंटीमेट ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट को इंटीमेट बिना करे इन्होंने बोल दिया कि 50,000 में गाड़ी बेच देंगे, अरे भाई ऐसा कोई कर सकता है क्या, तो इनको बैन कर दिया, फिर से बोला नहीं 50,000 में नहीं बेच सकते, लेके आए फिर 75,000 पे। ओके, तो ये मिल जाएगा, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता ओला पे, ऑलरेडी मैंने 3 मिनट डाल दिए उसमें, बाद में मैं आ रहा हूं टीवीएस पे। टीवीएस का जो बेस वेरिएंट है वो 1,20,000 के आसपास आपको मिल जाएगा, ये जो है इसमें 2 वेरिएंट्स है, 2.2 वाला, ये 2.2 वाला सीधा प्राइसिंग दिखा देता हूं आपको, जो टीवीएस है उसमें भी 5 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, बट इसके साथ में आपको अच्छा सर्विस मेंटेनेंस भी मिलता है। TVS starts with 2.2 kWh and it is having battery capacity up to 5.1 kWh. 2.2 से 5.1 इतना रेंज में आपको TVS मिल जाता है। And if I wish to show you, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ and I'll show you pricing. Okay.
तो यहाँ पे आप देखो ये सबसे बड़ा जो वेरिएंट है बहुत महंगा है, 1,85,000 इसका प्राइसिंग है। मैं आपको जो 1,20,000 तक आएगा पहला ये आएगा TVS iQube 2.2 KWH, 1,07,000, सिर्फ 1,07,000 में आ जाएगा। बट इसमें जो रेंज है ना इसे 75 किलोमीटर की आपको मिलेगी, कितना 75 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। इसके अगर आप थोड़ा ऊपर चले जाओगे, इफ यू सिलेक्ट द TVS iQube विथ 3.4 KWH बैटरी पैक, देन उसमें आपको 1,37,000 एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस लगभग 1,50,000 तक चली जाएगी। इसमें आपको लगभग 100 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। एंड जो उसके ऊपर है 5.1 वाला, उसमें आपको मिलेगी लगभग 1.85 लाख कोई मिलेगा, तो ऑन रोड प्राइस इसमें 2,00,000 चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप 1.2 के नीचे बोल रहे हो तो एक ही वर्जन है जो 2.2 KWH का है, उसके साथ आप जा सकते हो। जो मैं भी जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर बोल रहा हूँ उसका जाके आप टेस्ट राइड लो, फिर डिसाइड करो। ओके, तो ये एक है TVS iQube, बड़ा ब्रांड है, फैमिली के लिए बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लुक्स में भी अच्छा है और एक ब्रांड है तो आपको सर्विस मेंटेनेंस भी तगड़ा मिल सकता है। फिर आते भाई सबसे बढ़िया नाम कर रहा है बजाज, TVS 2 नंबर पे है सेल्स में अगर आप अक्टूबर की बात करें, बट बजाज भी कुछ कम नहीं है। बजाज का 2903 इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरा मेटल बॉडी में आ जाता है एंड यू गेट वेरी गुड टॉप स्पीड ऑफ 63 kmph, विच इज कंसिडरिंग सिटी इज वेरी गुड। 123 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज, ट्रू रेंज आपको 100 किलोमीटर तक का मिल जाएगा। एंड कलर्स आप देखो तो अमेजिंग कलर्स, इसमें 5 कलर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर है। एंड इसका प्राइसिंग बता देता हूँ, इसको बुक कर लेते हैं, बुक करके दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे बाय नाउ, ओके बाय नाउ करने के बाद आपको दिख जाएगा 4-5 वर्जन इसके आ जाते हैं, बट जो 2903 है आपको प्राइसिंग वो चाहिए ना, तो उस प्राइसिंग में यही मिलेगा आपको 2903, 2.88 KWH का बैटरी पैक है, 123 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज है, 63 kmph का इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाएगा एज यू कैन सी। ओके, एंड इसमें आपको 5 कलर्स मिल जाएंगे। गोइंग फर्दर आप सिटी स्टेट यहाँ पे डाल दोगे लगभग 99,000 तक प्राइस आ जाता है। अभी ये दिल्ली का प्राइस है, मैं स्टेट चेंज करके अगर आप स्टेट चेंज करके यहाँ पे अगर मैं महाराष्ट्र कर देता हूँ और यहाँ पे सिटी में नासिक कर देता हूँ, कहाँ पे गया अपना नासिक, जो है महाराष्ट्र, नासिक कर देता हूँ, तो प्राइसिंग देखो 99,998 लगभग 1,00,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। इसमें प्रो पैक ऐड करोगे 3,000 रुपये का, ऑन रोड 1,20,000 तक चला जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, डोंट अलाउ, कैंसिल। ओके, हीरो का जो बेस वेरिएंट है विडा V1+, वो भी आप देख सकते हो, हीरो विडा V1+ 1,02,000 में मिल जाता है। अमेजिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, 2 डिटेचेबल बैटरी पैक्स इसमें आ जाती है, 100 किलोमीटर का ट्रू रेंज मिल जाता है। हीरो मोटोकॉर्प अगेन एक पहला बहुत बड़ा ब्रांड है, पहला आप छोड़ दो, ओला छोड़ के बाकी तीनों बजाज, TVS और हीरो मोटोकॉर्प, ये रेप्यूटेड ब्रांड्स है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, कई साल से काम करते हैं, इनको पता है सर्विस मेंटेनेंस कैसा चलता है, कस्टमर को हैप्पी कैसे रखना है, एक्चुअली हैप्पी कैसे रखना है। तो आप देख सकते हो मोटोकॉर्प का भी ये एक्सप्लोर कर सकते हो, आप बाय भी कर सकते हो एंड यू कैन एक्सप्लोर दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर, अमेजिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। 1,02,000 यहाँ पे सिटी डाल दो आपकी, अगर मैं नासिक डालू थोड़ा सा प्राइस शायद अलग आएगा, 1,20,000 एक शोरूम, क्योंकि वो दिल्ली की सब्सिडी लग चुकी थी, तो यहाँ पे एक शोरूम प्राइस ये लगभग 1,20,000 तक आ जाएगा। तो भाई ये था अपना डिटेल वीडियो, अपने कौन भाई थे इन्होंने बता करने को बोला था उनका नाम ले लेता हूँ एक बार, वेरी गुड। तो ये है सूरज सोलंकी भाई, आई होप आपको क्लियरली हो चुका है, जो कन्फ्यूजन था वो निकालने के लिए मैं बोल दूँ आप TVS, बजाज और हीरो मोटोकॉर्प तीनों के टेस्ट राइड लेना, ओला चाहिए तो आप ले सकते हो बट मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मुझे लगता है कि TVS या बजाज आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, दोनों के टेस्ट राइड लो, जो अच्छा लगता है वो ले लेना, बाकी आपकी चॉइस है, मैंने कौन से ब्रांड के थ्रू अगेंस्ट भी नहीं हूँ और साथ में भी नहीं हूँ, तो आपको जो अच्छा लगता है वही आप करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।